मंगल पांडे का जन्म 30 जनवरी 1831 नगवा गांव बलिया में हुआ था। इनका निधन 8 अप्रैल 1857 बैरकपुर पश्चिम बंगाल में हुआ था। मंगल पांडे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत थे। उनके द्वारा भड़काई गई क्रांति की ज्वाला से अंग्रेज शासन बुरी तरह हिल गया था। सन 1857 की क्रांति के दौरान मंगल पांडे ने एक ऐसे विद्रोह को जन्म दिया जो जंगल में आग की तरह संपूर्ण उत्तर भारत और देश के दूसरे भागों में भी फैल गया। सन 1849 में 22 साल की उम्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हुए थे मंगल पांडे। मंगल बैरकपुर की सैनिक छावनी में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की पैदल सेना में एक सिपाही थे। एनफील्ड P-53 राइफल में नई कारतूस का इस्तेमाल शुरू हुआ तो मामला और बिगड़ गया। इन कारतूसों को बंदूक में डालने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था और भारतीय सैनिकों के बीच ऐसी खबर फैल गई कि इन कारतूसों को बनाने में गाय तथा सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है। भारतीय सैनिकों के साथ होने वाले भेदभाव से पहले ही भारतीय सैनिकों में असंतोष था और नई कारतूसों से संबंधित अफवाह ने आग में घी का कार्य किया। मंगल पांडे ने उसे लेने से इनकार कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप उनके हथियार छीन लिए जाने व वर्दी उतार लेने का हुक्म हुआ। मंगल पांडे ने उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया और मार्च 29 1857 को उनकी राइफल छीनने के लिए आगे बड़े अंग्रेज अफसर मेजर ह्यूसन पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने से पहले मंगल ने अपने अन्य साथियों से समर्थन का आह्वान भी किया था, पर डर के कारण जब किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया तो उन्होंने अपनी ही राइफल से उस अंग्रेज अधिकारी मेजर ह्यूसन को मौत के घाट उतार दिया, जो उनकी वर्दी उतारने और राइफल छीनने को आगे आए थे। इसके बाद पांडे ने एक और अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट बाब को मौत के घात उतार दिया, जिसके बाद मंगल पांडे को अंग्रेज सिपाहियों ने पकड़ लिया। ब्रिटिश सरकार ने मंगल पांडे को निर्धारित तिथि से 10 दिन पूर्व ही 8 अप्रैल सन 1857 को फांसी पर लटका दिया। मंगल द्वारा विद्रोह के ठीक एक महीने बाद ही 10 मई सन 1857 को मेरठ की सैनिक छावनी में भी बगावत हो गई और वह विद्रोह देखते ही देखते पूरे उत्तरी भारत में फैल गया। इस बगावत और मंगल पांडे की शहादत की खबर फैलते ही अंग्रेजों के खिलाफ जगह जगह संघर्ष भड़क उठा। मंगल द्वारा 1857 में बोया गया क्रांति का बीज 90 साल बाद आज़ादी के वृक्ष के रूप में तब्दील हो गया। इस विद्रोह में सैनिकों समेत अपदस्थ राजा, रजवाड़े, किसान और मजदूर भी शामिल हुए और अंग्रेजी हुकूमत को करारा झटका दिया। इस विद्रोह ने अंग्रेजों को स्पष्ट संदेश दे दिया कि अब भारत पर राज करना उतना आसान नहीं है जितना वे समझते थे।